गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अवर चैनल आर डी एस ग्रुप क्लास. एज यू नो दैट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू पोयम एज वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर 4 ऑन फ्राइडे एंड आई हैव ऑल्सो टेकन द रिविजन ऑफ चैप्टर 4. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट पोयम. एज यू कैन सी द नेम ऑफ द पोयम इज ग्रेट वाइट ब्यूटिफुल वंडरफुल वर्ल्ड. What do you mean by word? In this poem, the poet is an admirer of the world and its beauty. In this poem, the name of the poet, that means who is the poet of the poem? W.B. Rands. W.B. Rands is the poet of the poem. That means the poem is composed by the W.B. Rands. W.B. Rands means William Brighty Rand. Okay, he was a British writer of children literature. He has written so many things about the children and he has written so many nursery rhymes. So, in this poem, he has written about the nature, about the beauty of nature. Okay, let us move to the poem. As you can see, here are given three words for the word word. For the word word जो आई मीन टू से वर्ड आपका कौन सा है वर्ड और इस वर्ड वर्ड के लिए दैट मीन्स इस वर्ड के लिए पोइट ने थ्री एडजेक्टिव ही हैज यूज थ्री एडजेक्टिव लाइक ग्रेट वाइट एंड ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल फोर सॉरी ही described word as great, as wide, as beautiful and wonderful. That means where we live. This place is very beautiful, very wonderful, very wide and very great. So the poet has described the beauty of nature, that how beautiful the nature is. And in our solar system, only Earth is a place where we can live. Okay, where पीपल कैन लिव, जहाँ लोग रह सकते हैं वो एक ही प्लेस है अवर सोलर सिस्टम में. कौन सी है? दैट इज अर्थ. ओके, अर्थ इज अ प्लेस. एंड इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ अर्थ, द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, द ब्यूटी ऑफ नेचर. नेचर की इसने ब्यूटी बताई है एंड ही हैज डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी विद द हेल्प ऑफ दीज एडजेक्टिव ग्रेट वाइड ब्यूटिफुल वंडरफुल. तो दीज आर फोर और आर क्या हैं, ये चारों एडजेक्टिव हैं. सो इफ़ वी आस्क यू वट एडजेक्टिवस आर यूज फॉर द वर्ल्ड सो और फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सो वी कैन से दीज आर द वर्ल्ड ग्रेट वाइड ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल आर द फोर एडजेक्टिव दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, वट डू यू थिंक द वर्ड अराउंड यू लाइक इज़. आप क्या सोचते हो, जो चारों तरफ आपके वर्ड है वो कैसा है, अगली है या ब्यूटीफुल है? इट्स अगली और ब्यूटीफुल. सो वी कैन सी अराउंड अस अ ब्यूटीफुल वर्ड. सो इट्स नॉट अगली, इट्स ब्यूटीफुल. कैसा वर्ड है? ब्यूटीफुल. सो एवरीबडी टेक हेयर. ओके, नाउ लिसन, ग्रेट वाइड ब्यूटिफुल वंडरफुल वर्ल्ड, दैट मीन्स हाउ इज़ द वर्ल्ड. वर्ल्ड कैसा है, संसार कैसा है, दुनिया कैसी है, अर्थ कैसी है. सो अर्थ इज़ ग्रेट है, वाइड है, ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल है. ग्रेट महान है, वाइड बहुत बड़ी है, दैट मीन्स ये बहुत वास्ट एरिया में फैली हुई है, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक फैली हुई है. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कितनी वाइड है. You can see. So earth is very wide in this way कि मतलब बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है. And one most important thing, as you know, our two-third part of our वर्ड इज फिल्ड विथ वाटर. 2/3 पार्ट जो है उसमें हमारे पूरे वर्ड में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है. सो आवर वर्ड लुक वेरी ब्यूटीफुल. ओके, हमारा वर्ड बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है. सो ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर. और हमारी जो मतलब हमारा जो ये वर्ड है वो बहुत वाइड है, ग्रेट है, ब्यूटीफुल है और वंडरफुल है. और क्यों, किसके साथ है? पानी, इसमें बहुत वंडर फुल वाटर भी है. और पानी के साथ जब हम अपने वर्ल्ड को देखते हैं तो इट सीम्स सो ब्यूटीफुल. राउंड यू कर्ड एंड द वंडरफुल ग्रास. आप क्या देखते हो, अपने चारों तरफ क्या देखते हो? वाटर को देखते हो. दैट मीन्स 2/3 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज फिल्ड विद, या वी कैन से
full with water and 1/3 part is covered with the लैंड. ठीक है, 1/3 पे जो है वो लैंड है, बाकी वाटर है 2/3 पार्ट पे हमारे हमारे वर्ड में. सो एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट. ब्रेस्ट यू नो जैसे कि चेस्ट जो होती है मैन की, वैसे ही जो लेडीज़ की होती है उसको ब्रेस्ट बोलते हैं. तो ब्रेस्ट पे क्या है, अपॉन योर ब्रेस्ट, मतलब जो ये अर्थ है उसकी ब्रेस्ट पे क्या है, वंडरफुल ग्रास. ग्रास ग्रीन होती है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रास है, उसकी वेस्ट ब्रेस्ट पे ग्रास उगी हुई है. वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड. तो ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है उसने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी. जो ग्रास हमारी अर्थ के ऊपर उगती है उसे देख के ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखती है. सो इन दिस पोएम द पोइट इज़ एन एडमायरर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स ब्यूटी. ही सेज दैट द वर्ल्ड इज सो बिग, सो ग्रेट एंड ब्यूटीफुल. ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस वेयर वी कैन लिव. द पोइट डिस्क्राइब्स द फाइन वर्ल्ड एज अ पर्सन. इन दिस पोएम द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द नेचर. उसने पर्सोनिफाइड कर दिया है, मतलब एक मैन और वुमेन के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया है. मतलब उसे क्या माना है, जैसे कि वो एक लेडी है, एक मानव है, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया है उसको. मतलब ये नहीं है कि उसको इमॉर्टल बताया हो उसको, बल्कि मॉर्टल उन्होंने इसमें क्या किया, उसको डिस्क्राइब किया एज अ ह्यूमन बीइंग डिस्क्राइब किया है उसको. मतलब नॉन लिविंग नहीं बोला है उसको, लिविंग बोल के एज अ ह्यूमन बींग उसको डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, तभी तो वो उसको ड्रेस पहना रहा है और कह रहा है उसकी ब्रेस्ट पे ऐसे जो ग्रास है उसके चारों तरफ वो कैसी लगती है, वो लगता है उसने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी है. ओके, सो द पोएट डिस्क्राइब द फाइन वर्ड एज अ पर्सन. उसने एज अ पर्सन डिस्क्राइब किया है. एंड एज पीपल आर रैप्ड अप इन द क्लॉथ, और जैसे कि हम लोग ड्रेस पहनते हैं ना, वैसे ही जो उस पर ग्रास उगी है उसको उसने किसे कंपेयर किया है, दैट्स अ गर्ल वियर और ड्रेस. ओके, so is the world which is wrapped up in wonderful grass, green field and valleys. That is clear. Okay, so in the first stanza the poet has described the world as a person, and in these lines he personified it, and he said about that it looks very beautiful and मतलब ऐसा बोलता है, ये ऐसा दिखता है कि उसने ड्रेस पहन रखी है. नेक्स्ट स्टैंजा, एज यू कैन सी हेयर आर फोर स्टैंजास इन दिस पोएम. ओके, एंड इन ईच स्टैंजा देर आर गिवन राइमिंग वर्ड्स. एज यू कैन सी वर्ड कर्ड आर राइमिंग वर्ड्स. ग्रास, सॉरी नो ग्रास, ब्रेस्ट एंड ड्रेस्ट आर राइमिंग वर्ड. ठीक है, कौन कौन से राइमिंग वर्ड हैं, जैसे कि इन फर्स्ट स्टैंजा वी कैन सी हेयर आर गिवन वर्ड कर्ड एंड ब्रेस्ट ड्रेस्ट, दीज आर राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा. हेयर आर गिवन टू राइमिंग वर्ड्स, वर्ड एंड ग्रास, वर्ड कर्ड ग्रास, सॉरी ब्रेस्ट ड्रेस्ट. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा, द वंडरफुल ईयर इज़ ओवर मी. एज यू ऑल नो दैट इन नेचर देर इज़ ऑल्सो एयर. हमारे नेचर में जैसे कि हमने अभी वर्ड को डिस्क्राइब किया, वैसे एयर भी होती है. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. ओके, वी ब्रीथ द एयर, हम हवा को ब्रीथ करते हैं. ठीक है, वी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, है ना, दैट्स वाई वी आर अलाइव, इसलिए हम जिंदा हैं. सो द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी. हम मेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर सब हवा है, दैट मीन्स चारों तरफ हवा है. एंड द वंडरफुल विंड, और बहुत ही प्यारी सी विंड है, इज़ शेकिंग द ट्री, जो कि क्या करती है, ट्री को हिला देती है, शेक कर देती है. व्हेन एयर और विंड पासिस थ्रू द ट्रीज start to shake. It walks on the water, ये पानी पर भी चलती है. And whirls the mills. Mills जानते हैं क्या होता है, mills जो पवन चक्की, that is known as mills. और winds के जो whirls होते हैं, जो ऊपर पंखा ऐसा नहीं लगा होता पवन चक्की में, उसको भी ये क्या करती है, rotate कराती है, हिला आती है. ठीक है, and talks to itself on the top of the hill. Sometime if you have seen in the hilly area or you have seen in the peaceful area that on
देयर यू कैन हियर द वॉइस ऑफ विंड. ओके, यू कैन हियर द वॉइस ऑफ विंड. आप वॉइस सुन सकते हो, बहुत तेज तेज से आवाज़ आती है ना हवा के चलने की. सो द पोएट डिस्क्राइब इट एज अ पर्सन दैट विंड इज टॉकिंग टू इट्स सेल्फ. कि जैसे विंड, जैसे हम लोग अपने आप से बात करते हैं, द सेम वे ही पर्सोनिफाइड दैट द विंड इज टॉक्स टू इट्स सेल्फ. वो अपने आप से बात करिए, ऐसा करके डिस्क्राइब किया गया है. क्लियर. नेक्स्ट, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फॉर डू यू गो. ओ मेरी फ्रेंड अर्थ, तू कितना दूर तक गई हो. एज यू कैन सी कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, आपने, आपको पता ही होगा अर्थ कितनी बड़ी होती है कि उसको आप पूरा अर्थ आप देख भी नहीं सकते, इतनी बड़ी होती. बहुत वाइड एरिया उसका होता, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है. ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट तक की, नॉर्थ से साउथ तक की. ठीक है, जैसे लोग कहते कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो है फैली हुई है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कितनी दूर तक की तो फैली हुई हो मेरी फ्रेंड. विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोट एंड द रिवर दैट फ्लो. और तुम, मतलब तुम अपने ऊपर क्या लिए हुए हो, तुम पे बहुत सारे वीट के फील्ड्स हैं जो हमें खाने पीने को देते हैं, वीट के फील्ड्स भी दिखाई देते हैं. एंड नॉट एंड द रिवर, और तुम पे बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो होती हैं. और तुम कहाँ कहाँ तक जाती हो, दैट मीन तुम कहाँ, तुम बहुत दूर तक जाती हो. तुम वीट फील्ड्स तक भी जाती हो, है ना, और आप जो है रिवर्स में भी हो और फ्लो करती हो. मतलब नदियाँ आप देखिए कहाँ से कहाँ तक चलती रहती, नदियों का कोई एंड नहीं होता है, एंडिंग पॉइंट. कभी आपने पूरी कोई नदी क्रॉस की है, कभी नहीं की होगी. बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो आप नदियों में भी आप हो. विद कितने सिटीज में आप हो, कितने गार्डन्स में आप हो. एंड क्लिफ्स एंड आइल्स, आइल्स जो होते हैं, आइल्स मीन टू से स्मॉल आइलैंड. बहुत सारे आइलैंड भी हैं आप में. क्लिफ्स यानी कि बहुत चट्टाने भी हैं, दैट मीन्स आपको बहुत वाइड एरिया है. आपने क्या क्या अपने में मतलब इंक्लूड कर रखा है, वीट फील्ड्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, और सिटीज़ हैं, गार्डन्स हैं, विलेजेस हैं, क्लिफ्स हैं, आइल्स हैं, रोड्स हैं. देर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी कैन सी दैट यू हैव. सो कितना ब्यूटीफुली उसने जो है इसको डिस्क्राइब किया है. फिर क्या होता है इन द सेकेंड पार्ट, एंड पीपल अपॉन यू फॉर, एंड द पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स. और क्लास लिसन वेरी केयरफुली, हेयर आर गिवन ऑल्सो राइमिंग वर्ड दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द सेकेंड स्टैंजा. मी ट्री, ओके, मी ट्री, और मिल्स हिल्स, मिल्स हिल्स, मी ट्री, दीज आर राइमिंग वर्ड. एंड थर्ड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, देर आर गिवन राइमिंग वर्ड्स, गो फ्लो, ओके, गो फ्लो. एंड यू कैन से माइल्स, आइल्स, दीज आर राइमिंग वर्ड. ओके, और तो इसमें कोई है नहीं. हाँ, गो एंड फ्लो आर राइमिंग वर्ड. नाउ नेक्स्ट, एंड पीपल अपॉन यू थाउजेंड ऑफ मील, और जो तुम पे लोग रहते हैं, अर्थ पे ही तो लोग रहते हैं, वो हज़ारों मील तक की लोग दूर दूर तक फैले हुए हैं. आह, यू आर ग्रेट, यू आर सो ग्रेट, तुम कितनी महान हो. एंड आई एम सो स्मॉल, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ. आई ट्रम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ड एट ऑल, एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स. और पता है, मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एक्चुअली आई एम टू स्मॉल एंड यू आर टू वाइड, टू बिग. ओके, सो व्हेन आई विल थिंक अबाउट यू, जब व्हेन आई थिंक अबाउट यू, जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मैं अंदर से क्या होता हूँ, कांप जाता हूँ. एंड येट व्हेन आई सेड, और जब मैंने ये कहा, माई प्रेयर्स टूडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, जब मैंने आज सुबह प्रेयर करी, हाथ जोड़ा प्रेयर करी, तो मेरे अंदर से एक फुसफुसाने की आवाज़ सी आई. मेरी कभी कभी हमारी इनर वॉइस बोलती है ना, सेम इनर वॉइस ने मुझसे कहा, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम अर्थ से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी हो. दो यू आर सच अ डॉट, पता है तुम ए, हालांकि तुम एक डॉट हो, ज़रा सा डॉट हो. यू कैन लव एंड थिंक, कहने का मतलब है कि हम जो पर्सन्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम थिंक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं. एंड यू आर लाइक अ डॉट, तुम एक डॉट की तरह हो. एंड द अर्थ कैन नॉट, बस डिफरेंस इज दैट कि तुम हमसे बहुत बड़ी हो. यू आर मोर देन द अर्थ, से बहुत बड़ी हो. दो यू आर सच अ डॉट, लेकिन ना तुम एक डॉट हो, डॉट की तरह, मतलब एक छोटा सा पार्ट हो, कहने का मतलब है. एंड यू कैन लव एंड थिंक, मतलब जैसे कि हम हैं, सोच सकते हैं, जैसे कि मतलब इंसान जो होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, वो प्यार कर सकते हैं, सोच
लेकिन अर्थ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत बड़ी, हमसे बहुत ग्रेट और हमसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अगर अर्थ नहीं होगी, अर्थ नहीं होगी तो ट्री नहीं होंगे, ट्री नहीं होंगे तो ऑक्सीजन, सो वी कांट सर्वाइव विदाउट यू। अगर आप नहीं होंगी तो हम आपके बिना रह ही नहीं सकते, हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, हम जी नहीं सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस पार्ट द आइडिया इज चेंज्ड एज यू हैव लिसन द पोएट कंपेयर बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड। इसमें क्या हुआ है, पीपल जो पोएट है उसने खुद को वर्ल्ड से कंपेयर किया है, और कंपेयर क्या किया है कि एट फर्स्ट ही एडमिट्स दैट ही इज सो स्मॉल एंड कंपेयर टू द वर्ल्ड। उसने खुद को वर्ल्ड के कंपेरिजन में बहुत छोटा कहा है, बट वाइल प्रेइंग ही हियर्स अ विस्पर दैट टेल्स हिम दैट मैन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ल्ड। और जैसा कि जब वो प्रेयर करता है तो एक उसे विस्पर अंदर, इनर वॉइस आती है उसके अंदर से, और वो ये उससे कहती है कि जो मैन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैन इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ल्ड, से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एज मैन हैज़ समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। कि मैन के पास ऐसा कुछ है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, मैन कैन थिंक एंड लव बट वर्ल्ड कैन नॉट, क्योंकि जो मैन है, आदमी है, वो सोच सकता है, प्यार कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड ये नहीं कर सकता है। द आइडिया इज समड अप इन द टू लास्ट टू लाइन, यू आर मोर देन अर्थ दो यू आर सच अ डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। तो दीज लाइन्स लास्ट लाइन सेज दैट ह्यूमन बींग इज मोर देन द वर्ल्ड, बट इन माई व्यू वर्ल्ड इज मोर देन द, एंड वाई द पोएट टेल्स इट, बिकॉज मैन कैन थिंक एंड लव बट अर्थ कैन नॉट, अर्थ ये नहीं कर सकती, इसलिए उसने ऐसा बोला है। बट ओवरऑल ओवरऑल द रिजल्टेंट इज दैट दैट अर्थ एंड वर्ल्ड इज मोर ब्यूटिफुल मोर पावरफुल देन अस। ओके, इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द नेचर ओनली एंड इट कंपेयर्स लाइक अ पर्सन इन एंड इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर एज अ पर्सन, उसे एज अ पर्सन उसने लेकर के इसमें डिस्क्राइब किया है। सो क्लास आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन द पोएम। ओके, दिस पोएम इज क्लियर। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट देन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, सो व्हेन आई विल आस्क क्वेश्चन यू हैव टू गिव रिप्लाई, दैट इज क्लियर टू यू। सो दिस पोएम इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।